राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, हम आज आपको ओवेरान दवा जो कि बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी की आती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये किस फसल में और कितनी मात्रा में डाली जाती है। किसान भाइयों, यदि आपकी किसी भी फसल में लाल मकड़ी का प्रकोप हो रहा है, जैसा कि आप ये पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर पाई जाती हैं, ये पौधे की पत्तियों को की निचली सतह पर पाई जाती हैं और उनके रस रस को चूसती रहती हैं, जिससे पत्तियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। इनकी पहचान करने के लिए, वैसे ये तो छोटी छोटी पत्तियों के नीचे लाल व पीले रंग की दिखाई देती हैं, यदि आप नहीं देख पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप पत्ती को तोड़कर आप उसको जब देखेंगे तो पत्ती जाली नुमा दिखाई देने लगती है, तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल में लाल मकड़ी का प्रकोप हो रहा है। लाल मकड़ी का प्रकोप हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए आप जो कि बायर कंपनी का आता है ओवरान के नाम से, इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें। छिड़काव करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं, लाल मकड़ी व पीली मकड़ी से आप निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, लाल मकड़ी के साथ साथ ये टमाटर व कपास की फसलों में इसका उपयोग सफ़ेद मक्खी के रूप में भी किया जाता है। जब आपके फसलों में, इन दो फसलों में जैसे टमाटर और कपास की जो फसल है, इसमें अगर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो टेक्निकल नेम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पायरोमेसिफिन 22.9% SC, जो कि इस दवा के अंदर जो टेक्निकल है उसका नाम है, और ये बायर कंपनी की आती है ओबेरान के नाम से। किसान भाइयों, यदि आप लाल मकड़ी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट में रेट है, लगभग ये 450 से 500 के बीच में 100 ml आपको मिल जाता है, और इसका घोल बनाकर आप छिड़काव करें। छिड़काव करने से आपके फसलों में, चाहे जो भी फसल हो, लौकी है या तरोई है या भिंडी की फसल है, खीरे की फसल है, कपास की फसल है, टमाटर की फसल है, कोई भी फसल है, जिन भी फसलों में आपके फसलों में आप लाल मकड़ी व पीली मकड़ी से परेशान हैं, तो आप इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप छिड़काव करें, तो आपके उसमें जो लाल मकड़ी है वह नष्ट हो जाएगी और आपकी पत्तियां जो कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से पौधों की भोजन बनाने की क्रिया प्रभावित होने लगती है और पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, और यदि आप इसकी रोकथाम नहीं करते हैं लाल मकड़ी की, तो पौधे नष्ट होने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, आप बायर कंपनी का जो ओवरान, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं, और इसका जो टेक्निकल नेम है, स्पायरोमेसिफिन 22.9% SC, ये आप देख कर ही लें, क्योंकि ये, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी की आती है। इसके अलावा आप धोखाधड़ी से बचें और कोई डुप्लीकेट दवा का प्रयोग ना करें। ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड और एक्रीसाइड यानी कि मकड़ी नाशक दवा है, जिसके प्रयोग से आपकी फसल सुरक्षित रह सकती है, और आप अपनी फसल को सुरक्षित रखकर आप अपनी फसलों से होने वाले उत्पादन का संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अगली वीडियो आसानी से मिलती रहे और फसलों संबंधित जानकारी भी आसानी से प्राप्त होती रहे। राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आम के बाग में जो तीसरा छिड़काव होता है, उसके बारे में आपको आज जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आम की बागों में फूल से परागण की क्रिया, अर्थात फूल से फल बनने की क्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। आम की फसलों में काले भुनगों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए आप थायमेथोक्साम 25% WG का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुछ अच्छी कंपनियों के, जिनके मैं व्यापारिक नाम आपको बता देता हूँ, जैसे धानका एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अरेवा के नाम से आता है, और इंडोस्विस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जिज्मो के नाम से आता है,
सजेंटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एकतारा के नाम से आता है। इसकी जो उपयोग दर मात्रा है आप आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। अर्थात यदि आप ये टैंकर से धुलाई कर रहे हैं तो 2000 लीटर का यदि आपका टैंकर है तो उसमें आप 750 ग्राम से 800 ग्राम की मात्रा 2000 पानी के लिए पर्याप्त होती है। आप इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि आप धानुका कंपनी का ये ले सकते हैं जो कि अरेवा के नाम से आता है, इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का जिज्मो के नाम से आता है और सजेंटा कंपनी का एकतारा के नाम से आता है। इसकी जो उपयोग दर मात्रा है 2000 लीटर पानी के टैंकर वाले में आप 750 से 800 ग्राम प्रति 2000 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव करने से आपके जो काले भुनगे हैं उसमें या अन्य किसी उड़ने वाले रस चूसक कीड़े का प्रकोप हो रहा है तो आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद में आप किसान भाइयों यदि आपको थाइमेथोक्सम 25% नहीं मिल पा रहा है या आप इसका स्प्रे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पूरी तरह से आपका आम अभी जो परागण की क्रिया होती है वो आधी अधूरी रह गई है तो आप इमिडाक्लोरोपिड 17.58% का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसकी जो उपयोग दर मात्रा है वो आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। ये भी आप धानुका एग्री टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही ले जो कि मीडिया के नाम से आता है और इंडोस्विस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का जो कि स्पेक्ट्रा के नाम से आता है और उसके बाद में आप टाटा कंपनी का इसको टाटा मिडा के नाम से आता है ले सकते हैं और 750 ml प्रति 2000 लीटर टैंकर वाले पानी में आप इसका घोल बनाकर स्प्रे करने से आपके जो उसमें उड़ने वाले रस चूसक कीड़ों का प्रकोप हो रहा है वह नष्ट उनको उनकी रोकथाम की जा सकती है। किसान भाइयों इसके बाद में यदि आपके आम के बगल बाग के फसल में काले भुनगे या हापुड़ जिसे बोलते हैं उसका प्रकोप बहुत अधिक हो रहा है तो आप सजेंटा कंपनी का जो कि थाइमेक्सोम 75% WG का प्रयोग कर सकते हैं। ये 150 ग्राम 150 ग्राम प्रति 2000 लीटर वाले पानी में वाले टैंकर में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। ये सीएसएल कंपनी का जो कि आर्मीजीन के नाम से आता है और सजेंटा कंपनी का कैप कैडिस के नाम से आता है। इसकी उपयोग दर मात्रा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसकी उपयोग दर मात्रा 150 ग्राम प्रति 2000 लीटर पानी में आप घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। इसके छिड़काव से आपके उसमें जो काले भुनगे हैं या अन्य जो उड़ने वाले रस चूसक कीटों का प्रकोप आपकी फसल पर हो रहा है उससे आप निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।